फार्म पे स्टार्टिंग रेंज ना 90,000 भाई। ये बैठी हुई 90,000 वाली बच्चिया, आज हम आए हुए एक ऐसी जगह पे जो भाई कैटल फार्म तो है लेकिन कैटल फार्म से ज्यादा ये मंडी लगी हुई है। 90,000 से तकरीबन साढ़े जानवर शरीर एतबार से पूरा हम सारी शराइत के ऊपर पूरा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकीनों की एक्सप्रेस, कैटल एक्सप्रेस भाई। आज हम आए हुए एक ऐसी जगह पे जो भाई कैटल फार्म तो है लेकिन कैटल फार्म से ज्यादा ये मंडी लगी हुई है। लग नहीं रहा है कि कैटल फार्म है, ये एक मंडी है। और कैटल फार्म सुनते ही भाई हमारे और आपके जहन में एक ही बात आती है कि यार कैटल फार्म है तो यहाँ पे जानवर होंगे बड़े। और कैटल फार्म पे स्टार्टिंग रेंज जो है वो तकरीबन 3.5 लाख से स्टार्ट होता है, लेकिन भाई यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज है 90,000 से, और 90,000 में आरिफ भाई यहाँ जानवर दिखाना शुरू करते हैं। भाई 90,000 का जो जानवर है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई बछड़ा देख लो माशाल्लाह से, भाई कलर वाले बछड़े, खूबसूरत बछड़े हैं। ऐसा नहीं है कि यार छोटी रेंज के जानवर हैं तो उनमें कोई ऐसा मसला वगैरह होगा, कोई ऐसे होंगे, नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। जानवर जो है अच्छे, भाई आप लोग यहाँ पर आ जाए, लोकेशन भी मैं अभी बता दूंगा आपको कहाँ है। भाई आरिफ भाई जानवर दिखा दें आगे आके। और भाई ये बच्चियाँ देखें, ये बच्चियाँ अच्छी लग रही है माशाल्लाह, बच्ची अच्छी है। एक ये बच्ची आ रही है माशाल्लाह, जानवर अच्छे हैं, मिक्स माल है। ऐसा है कि भाई वो इनका कहना ऐसा है कि भाई हमने वो लोगों के लिए आसानी की है भाई, जो लोग आते हैं भाई हमें और हमारे और आपके शहर में मोहल्ले में घर के पास जो जानवर होते हैं भाई वो इस तरह के ही होते हैं ज़्यादातर। कोई हर कोई ऐसे जानवर अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, कैटल फार्म के बड़े बड़े तो इस तरह के होते हैं। उनके लिए आसानी के लिए उन्होंने ये जानवर यहाँ पे उतारे हैं भाई, माशाल्लाह से ये बच्चियाँ भी अच्छी है और अच्छे जानवर है यार। असल में सीन ये है कि भाई जो प्राइस रेंज है ना उस हिसाब से बहुत बेहतरीन जानवर है माशाल्लाह से। भाई आरिफ भाई आगे आके दिखाते रहे, एक ये बच्चा दिखाएं, ये बच्चा भी अच्छी लग रही है मुझे। और जानवर सारे अच्छे हैं, एक ये बीच में बच्चा खड़ी हुई है भाई, एक एक जानवर सही सही से दिखा रहा हूँ मैं। वीडियो थोड़ी रुक गई थी, अब यहाँ से हम दोबारा से शुरू करते हैं। भाई ये वाली बच्चा दिखाएं आरिफ भाई, ये वाली बच्चा भी अच्छी है। और आगे ये जोड़ी बंदी हुई है ब्लैक बच्चियों की, बहुत बेहतरीन लग रही है यार। असल में सीन ये भाई देख लो कि जैसे भाई रेंज है, जिस तरह का जानवर है तो उस हिसाब से देखा जाए ना तो एक अच्छी कैटेगरी में जो है इन्होंने जानवर बांधे में। ये वाला बछड़ा देखें, ये बछड़ा अच्छा लग रहा है, ये बछड़ा जो है अच्छा है। अगर कोई भाई पसंद हो जिसको भाई बछड़े वगैरह इस टाइप के तो वो जरूर आ जाए। इसके साथ एक जोड़ीदार ये बच्चे भी खड़ी हुई है भाई, माशाल्लाह बच्चियाँ भी अच्छी है। बच्चियों के साथ और भी आगे बच्चियाँ, और भाई इस लाइन में सबसे हैवी बछड़ा खड़ा हुआ भाई ये, माशाल्लाह बछड़ा अच्छा है, कलर वाला मेल वाला बच्चा है और कलर वगैरह अच्छा है बछड़े का, फेस वाइज सारी चीज़ें इसमें जो 10 out of 10 है भाई माशाल्लाह से। और आगे बढ़े आरिफ भाई, बच्चिया है किसके साथ जोड़ीदार, ये बच्चे भी है और बछड़ा उसके बाद जो है ये वाला बछड़ा दिखाएं। ये देखें भाई माशाल्लाह बछड़ा अच्छा है, जो बात है जिस तरह का माल है उस माल में बछड़ा अलग ही पता लग रहा है, अलग ही खिल रहा है माशाल्लाह से। पीछे से राने वाने अच्छी बनी हुई है। उसके साथ भाई ये बछड़ा खड़ा हुआ है, ये तीन बछड़े खड़े हैं, एक वो दो ये, और ये तीनों बछड़े माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बछड़े हैं, नाप जाला वाले बछड़े हैं भाई। और कोई ऐसा सीन नहीं है कि भाई हम ऐसी जगह आए हैं कि जहाँ पे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा माल होगा, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है भाई, बहुत बेहतरीन है, एक तरह पूरी मंडी लगी हुई है। आप यहाँ पे आ जाए तो इंशाल्लाह आपका सौदा बन के जाएगा, क्योंकि जिस तरह की रेंज है, जिस तरह के जानवर है ना भाई, हर कोई मतलब इसी तरह के जानवर ढूंढता है। और अभी इस टाइम पे ऐसे जानवर ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, तो भाई यहाँ पे बहुत आसानी की हुई है। कलर वाली बच्चियाँ भी है भाई, देख लें अलग प्रिंट में बच्चियाँ भी है और माशाल्लाह बच्ची अच्छी है, जानवर अच्छे हैं, जानवर नो डाउट कोई इसमें वो मसला नहीं है, अच्छे जानवर है भाई। रेंज के हिसाब से ये जानवर बहुत अच्छे लगे मुझे। ये देख लें भाई, लाल 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 है भाई, माल है लाल है, देख लो भाई तीन बच्चियाँ खड़ी हुई हैं माशाल्लाह से। उसके साथ एक अलग प्रिंट में ये बच्चियाँ भी अच्छी है। असल में भी इनका खाने पीने का टाइम हो रहा है, वंडा लगा हुआ है इनको और वंडा चल रहा है। आगे आगे बढ़े तो भाई देखो, जो अच्छा जानवर लगेगा ना मैं वो हाईलाइट करके दिखाऊंगा। उसके अलावा ये बछड़ा देखना भाई, ये बछड़ा भी अच्छा है भाई। जिस रेंज में हम देख रहे हैं जानवर, 90,000 से तकरीबन 3.5-4 लाख तक की रेंज में, तो 90,000 के बीच बीच में बछड़े अच्छे हैं। ये देखें इसकी आइज वगैरह देखें, देखें वाइट पलखे हैं इसकी, और अच्छा छोटा सा फुटबॉल सा बच्चा है माशाल्लाह से खूबसूरत। उसके साथ ये बच्चियाँ खड़ी, इसी में ये प्रिंट अभी तक मुझे काफ़ी नज़र अच्छा, और ये प्रिंट काफ़ी अच्छे लगते हैं बच्चों पर। और इस तरह के जानवर माशाल्लाह यार, आगे बढ़ेंगे तो आगे भाई एक ये अलग प्रिंट में बच्चा थोड़ी, इन सब में अभी तक जितनी भी लाइन है ना वहाँ से यहाँ तक उसमें ये हैवी लगी है मुझे हाइट वाइट के हिसाब से। और बछड़ा बंधा हुआ भाई, ये सबसे हैवी बछड़ा बंधा हुआ है इस लाइन का। और बछड़े के साथ साथ भाई आगे से बच्चियाँ बच्चियाँ माशाल्लाह बच्चियाँ देख लें, 1, 2, 3, 4 बच्चे माशाल्लाह से। ये वाली बीच वाली बच्चे है ना, ये वाली, ये कलर के हिसाब से खूबसूरत लग रही है मुझे। साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो भाई ये बछड़ा बैठा हुआ है, बछड़ा भी देखें, बछड़ा भी खूबसूरत है माशाल्लाह। बछड़े का फेस वेस देखें, चोलिस्तानी बच्चा है। देखें ये हैवी थोड़े, उससे जो हैवी जानवर शुरू हो गए। ये बछड़ा देखें माशाल्लाह, इसकी हाइट वाइज चेक करें, हाइट वगैरह के हिसाब से माशाल्लाह से चोलिस्तानी कलर वाले, जो नेशनल कलर बोलता हूँ मैं इसको चोलिस्तानी का, ये वो बछड़ा। इसके साथ भाई आरिफ भाई इधर आए, इधर ये वाला बछड़ा भी दिखाएं। यहाँ पे जो है ना अच्छे बड़े जानवर बंदे में उसके हिसाब से माशाल्लाह, ये देख लें ये वाला बछड़ा प्रिंट में खूबसूरत बछड़ा है भाई।
नो डाउट बछड़े यहाँ पे अच्छे बंदे में, खूबसूरत बंदे में, अगर ये 90 से 4 लाख के बीच में बछड़े हैं तो भाई मैं कह रहा हूँ बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त जो है इंतजाम किया हुआ है कुर्बानी लवर्स के लिए, असली कुर्बानी लवर्स के लिए यहाँ पे शौक किया हुआ है। ये बछड़ा भाई, ये बछड़ा मुझे पर्सनली पसंद आया है पूरे फॉर्म पे इनके, माशाल्लाह यार मंडी के एक तरह से। इसके साथ देखिए जोड़ीदार भी अच्छा है, जोड़ीदार के बाद ये दोनों बछड़े भाई, ये जोड़ी बन रही है दोनों जो है कब्रे प्रिंट में, माशाल्लाह। ये बछड़ा मुझे, ये छुपा हुआ था, ये अभी नजर आया माशाल्लाह, ये अभी तक मुझे लग रहा है सबसे हैवी बछड़ा है पूरे इनके मंडी में, मुझे हर बछड़ा ये लग रहा है, लेकिन ये बछड़ा ना नजर नहीं आया था अभी जब हम पहले राउंड लगा के गए। इसके बाद आगे भाई ये बछड़ा देख ले, लाल बछड़ा माशाल्लाह से, सिंगे वगैरह मुंह का अच्छा है, सिंगे बड़ी है लेकिन मुंह वगैरह अच्छा है इसका बछड़ा। एक बीच में ये खड़ा हुआ है बछड़ा भाई, ये भी थोड़ा यहाँ पे माल जो ना मंडी के हिसाब से दबा हुआ माल खड़ा हुआ है। एक भाई सामने बच्चे दिखाई थी ऐसे प्रिंट की, तो ये बिल्कुल वैसी यहाँ पे भी खड़ी हुई है। इसके साथ साथ आगे बढ़े, आगे बढ़ के जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, बेहतर ये होगा कि आप लोग यहाँ पे विजिट कर लें, विजिट करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से पता लगेगा, माल दिखेगा, वीडियो में शायद उस तरह से ना दिखे। तो अबलग बच्चिया भी है यहाँ पे, कब्रे प्रिंट में बच्चे भी है भाई, हर तरह के जानवर है, हर कलर में, माशाल्लाह से बेहतरीन जानवरों का शौक किया हुआ है असल कुर्बानी वालों के लिए, कुर्बानी लवर्स के लिए शौक किया हुआ है भाई, कि जो माल बाहर पंजाब साइड पे मिलता है भाई वही रेट्स में यहाँ पे कम मुनाफे पे ज्यादा काम किया हुआ है उन्होंने, माशाल्लाह। देखे माल काफी है, एक बच्चिया ये खड़ी है और ब्लैक बच्चिया भी है भाई हर तरह की, और ये जो है लंबी बच्ची है, लंबे हाथ पैरों वाली बच्ची है माशाल्लाह। अच्छा भाई अभी मैं दिखाता हूँ आपको 90,000 वाली बच्चिया, जो इनके फार्म पे स्टार्टिंग रेंज ना 90,000 भाई, ये बैठी हुई 90,000 वाली बच्चिया, माशाल्लाह माशाल्लाह 90,000 में भाई देख लो, 90,000 में भी मिल रहा है अभी, जहाँ तुम बड़ी जगहों पे जाओ वो बोलते हैं 90,000 में बकरा मिल रहा है, 90,000 में भाई बच्चियों का इंतजाम किया हुआ है यहाँ पे। साथ साथ भाई बछड़े और बच्चियां भी हैं, और यहाँ पे ये एक और लाइन शुरू हो गई भाई, यहाँ पे तकरीबन ज्यादा बच्चियां हैं, बच्चियां ज्यादा हैं क्योंकि बच्चियां जो होती हैं वो इस रेंज में काफी आ जाती हैं, बछड़े जो होते हैं वो थोड़े रुक जाते हैं, बछड़े जितने भी हैवी हैं, बछड़े जो है इतने छोटे नहीं है, जो बच्चियां हैं इतनी छोटी भाई देख लो ये बच्चियां, और मेरे कहते ही भाई एक बछड़ा आ गया, देखो जोड़ी बनी हुई है दोनों, एक ये बछड़ा और एक ये बच्चा भाई जोड़ी है दोनों माशाल्लाह। ये वाली बच्चा देखें, बच्चा खूबसूरत है, फेस वाइज देखें इसका माशाल्लाह, व्हाइट फेस में कलर वगैरह देखें माशाल्लाह से, जो है छोटी घेने साइज में बच्ची है। इसके साथ एक और बच्चे बंदी हुए ब्लैक अपलग प्रिंट में, ये भी बहुत जबरदस्त है भाई। साथ साथ आगे चलते रहते हैं जल्दी जल्दी, एक क्रॉस बच्चिया गाय के स्टाइल वाली बच्चिया भाई, आप लोग एक दफा जरूर यहाँ पे विजिट कर लीजिएगा, पता लग जाएगा क्या सीन है। अच्छा भाई आगे आगे एक और बछड़ा है यहाँ पे, ये वाला बछड़ा दिखाएं भाई, ये देखें इसका प्रिंट थोड़ा यूनिक सा प्रिंट है माशाल्लाह, ये दोनों बछड़े अच्छे बंदे हैं, ये वाला जो है काफी अच्छा अच्छे कलर वाला बछड़ा है। साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं भाई जल्दी जल्दी माशाल्लाह, एक ये चोलिस्तानी कलर जो मैं नेशनल कलर है चोलिस्तानी बछड़ों का, एक वो बछड़ा बंदा है, सिंगों वाले माल है ज्यादातर क्योंकि सिंगों वाला माल ही होता है इस तरह में। और आगे बढ़े भाई आगे, ये वाला बछड़ा भी अच्छा भाई, ब्लैक बछड़ा माशाल्लाह से, थोड़ा ये पूरा ब्लैक बछड़ा है, इसमें व्हाइट थोड़ा सा शेड है। इसके साथ एक जोड़ी बंदी हुई है तो जोड़ी भी दिखा देता हूँ आपको माशाल्लाह, ये वाली जोड़ी देख लो, ये भी अच्छी है माशाल्लाह, खूबसूरत जानवर है। यहाँ थोड़ी हैवी जो है कैटेगरी शुरू हो गई भाई, ये बछड़ा खड़ा हुआ है, बछड़े के नाप जाला चेक करें माशाल्लाह, बछड़ा अच्छा बना हुआ है। और साथ बढ़े भाई आगे बढ़े तो ये एक बछड़ा, ये बछड़ा जो है अंदर दबा हुआ खड़ा हुआ है माशाल्लाह से, ये बछड़ा भी अच्छा है यार, ये बछड़ा अच्छा काफी खूबसूरत बछड़ा है, इसको देख के जो है काफी कुछ याद आ जाता है हमें ऐसे कलर देख के माशाल्लाह। और साथ साथ भाई आगे आए तो ये वाला बछड़ा दिखाएं, ये वाला बछड़ा दिखाएं और ये बछड़ा दिखाएं माशाल्लाह, ये वाला ये बछड़ा भाई यहाँ से दिखाए हैं, वहां से हमने सारे जानवर दिखा दिए अभी आपको, वो वहां से स्टार्ट गया था और भाई यहाँ तक आ गए। ये वाला बछड़ा जो है सबसे हैवी बछड़ा लग रहा है क्योंकि क्रॉस बछड़ा है, हाइट वगैरह देखे माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त बछड़ा है। तो दिखा दी मैंने आपको ये दो लाइन दिखा दी है, चार लाइन दिखाई है सॉरी, उसके बाद भाई ये आखिरी मतलब यहाँ पे बच्चे वो जानवर भी दिखा देता हूँ आपको, जल्दी जल्दी से दिखाता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इसलिए भाई ये देख लो, ये बच्चिया देख लो माशाल्लाह, ये बच्चिया यहाँ पे तकरीबन बच्चियां बंधी हुई है माशाल्लाह। एक बच्चा ये देखिए भाई, बच्चा होगा जोड़ी बनी हुई है यहाँ पे भाई, जोड़ी काफी नजर आ रही है क्योंकि बल्क में उठाए हुए तो भाई जो एक जैसे जानवर होते हैं ना वो काफी अच्छे से मिल जाता है। अच्छा तो भाई अभी जो मैंने आपको सारे जानवर दिखा दिए भाई, वो ओनर हैं ये इनके, इनसे पूछते हैं भाई क्या सोच के इन्होंने भाई ये कैटल फार्म जो मंडी के टाइप का बनाया हुआ भाई, तो आप बताएं भाई क्या सोच के आपने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात, बहुत अच्छा सवाल है, हम लोग ये सवाल करते हैं, असल में ये काम सिर्फ शौक का है और जिसको शौक होता है ना वही काम कर पाता है। जानवर बचपन से शौक था, लोगों को दिला देते थे, ये करते थे, एक एक जानवर में सीजन में 100-100 जानवर भी दिए। ऐसा भी सीजन आया कराची की मंडी के अंदर, मैंने एक सीजन में 40 दफा भी चक्कर लगा, ऐसा क्रेज होता था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी ये होती थी कि व्यापारी को तमीज से बात करना नहीं आती, व्यापारी बेइंतहा पैसे मांगता था,
समझ नहीं आता था कहाँ से शुरू करें और कहाँ रोकें। डिसेंट वे के अंदर डीलिंग नहीं होती हमारे यहाँ, हर कोई झूठ बोलता है। इसी तरह कोई भी चीज ऐबदार दे दी जाती है, तो हमने ये शुरू किया कि भाई डिसेंट तरीके से होलसेल के ऊपर काम किया जाए, लो मार्जिन के ऊपर काम किया जाए, बड़े स्केल के ऊपर काम किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम है, हम 7-8 पार्टनर्स हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बड़ा मैं अकेला कहाँ से करूँगा संभालना। हमारी टीम है, मुसलसल चल रही होती है, मंडियों में बाइंग हो रही होती है, ट्रेले के ट्रेले उतर रहे होते हैं, हम लो प्रॉफिट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जानवर खोल रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत जानवर बिक चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है हम काम कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि फैमिली एंटरटेनमेंट दें, यहाँ पर फैमिलीज आ सकती हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स ले लेते हैं हम लोग, जानवर खरीद के आप हमारे पास रखवा सकते हैं। इसी तरीके से जानवर शरीर एतबार से पूरा हम सारी शराइत के ऊपर पूरा देते हैं। इसी तरह हम लोग वैक्सीनेटेड जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ जाकर वैक्सीन सूटिंग सब कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक सूटेबल माहौल के अंदर काम होता है, असर से लेकर रात 12 बजे तक होता है। मेरा नंबर है 0321249-1233, बैनर पर भी लिखा हुआ है। अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे हम आपको लोकेशन भेज देंगे अपनी, अपने कुछ जानवरों की जो स्टॉक की अपनी वीडियोस भेज देंगे आपको। एक नॉर्मल से इजी वे में बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुख्तलिफ मंडियों को घूम के आते हैं वो भी हमसे माल ले लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।